महाभारत 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 की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 युधिष्ठर ने विराट नरेश को फिर ये बतलाया भीम नकुल और सहदेव का उसको नाम सुझाया कहा ये योद्धा महावीर पांडवों के संग भी जाते थे जिस लड़ाई करते थे उसको ही मार गिराते थे विराट ने कहा इनको भी ले चलो देखे कैसे सेनानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत 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 रणभूमि में सुशर्मा और विराट की सेना टकराई युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव ने शस्त्र विद्या दिखलाई सुशर्मा को बंदी बना के विराट के सामने लाए विराट नरेश उन चारों को देख खुशी से मुस्काए बोला तुम योद्धा हो सारे आए अद्भुत शस्त्र चलाने चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 उधर विराट के पुत्र को गुप्तचर ने बतलाया हस्तिनापुर की सेना ले दुर्योधन लड़ने आया भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य के बारे में समझाए उसने कहा वो मित्र हमारे फिर क्या करने आए गुप्तचर की सारी बातें विराट पुत्र ने जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी विराट नरेश का पुत्र उत्तर सुदेशना को समझाए उनसे युद्ध करके उनको पराजित कर दिखलाए भीष्म द्रोण कृप बूढ़े हुए वो कुछ ना कर पाएंगे कर्ण दुर्योधन उसके आगे भला कितनी देर टिक पाएंगे
बोला उनको धूल चटा के फिर पीऊंगा मैं पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। सुदेशना ने कहा पुत्र तू उनसे न लड़ पाएगा। जिनसे सारी दुनिया का पे कैसे जीत पाएगा। ना पुत्र तू वहाँ मत जा मेरा दिल घबराए। भीष्म द्रोण कृपाचार्य करण से बेटा बच ना पाए। अश्वत्थामा दुर्योधन दुशासन योद्धा है महाबलवानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। पर उत्तर ने कहा माता मैं युद्ध जीत के आऊंगा। तुम चिंतित मत होना माता उनको सबक सिखाऊंगा। सुरेंद्री ने कहा तुम ब्रह्मला को साथ लेके जाओ। अर्जुन की तरह तुम भी इसको अपना सारथी बनाओ। इससे अनुभवी कोई नहीं है थी अर्जुन ने जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी। ब्रह्मला का वो नाम सुन के विराट पुत्र मुस्काए। बोले इस किन्नर को भला अर्जुन क्यों संग लेकर जाए। ये भला वह क्या करेगी मुझे समझ ना आए। सुदेक्षणा ने कहा सुरेंद्र कहे इसको संग ले जाए। उत्तर ने फिर वो ब्रह्मला चाही संग ले जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो विराट पुत्री ने कहा ब्रह्मला तुम उनके वस्त्र लाना। वो सुंदर वस्त्र धारण करते मुझे गुड़िया को है पहनाना। भीष्म द्रोण पहने श्वेत वस्त्र ब्रह्मला ने बतलाया। वो वस्त्र अच्छे न लगेंगे उसको ये समझाया। उत्तर चले ब्रह्मला के संग माँ की आज्ञा मानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। ब्रह्मला बनी सारथी और उत्तर उसे समझाए। कहे देखना गुरु वंश को वो कैसे सबक सिखाए। देखी हस्तिनापुर की सेना उत्तर को पसीना आए। कहाँ जाऊँ कहाँ भागूँ ब्रह्मला को बतलाए।
रोए और घबराए उत्तर देख के इतने सेनानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। 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 ब्रह्मा ने कहा उत्तर से अब तुम तीर चलाओ। बहुत डींगे मार रहे थे इनको मार गिराओ। उत्तर रथ से नीचे उतरा दूर भागना चाहा। अर्जुन ने उसको रोका फिर वापिस रथ पे लाया। बोला या तो युद्ध करो या रथ पड़ेगी चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। ब्रह्मा ने कहा रणभूमि से वापिस ना जाऊंगा। अगर मैं वापिस गया तो जाके कैसे मुंह दिखलाऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हारी जगह युद्ध करके दिखाऊं। कहा उस पेड़ की तरफ चलो मैं अपने शस्त्र लाऊं। उत्तर को कहा चढ़ के पेड़ पे ये पोटली पड़ेगी पकड़ानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। उत्तर ने चढ़ के पेड़ पे एक पोटली पकड़ाई। अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला और उस पे तीर चढ़ाई। उत्तर ने कहा किन वीरों के शस्त्र हैं मुझे जरा बतलाओ। इनके देखने से डर लगता मुझको ये समझाओ। अर्जुन ने कहा ये पांडवों के क्या तूने नहीं जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। 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 अर्जुन ने फिर उत्तर को अपना परिचय कराया। मैं अर्जुन हूँ पांडु पुत्र सारा हाल बताया। उत्तर ने फिर हाथ जोड़ अर्जुन को शीस झुकाया। अर्जुन ने फिर आसमान से दिव्य रथ मंगवाया। बन के सारथी उत्तर देखे अर्जुन की तीर चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। गांडीव की डंकार को सुन के सारे योद्धा घबराए। दुर्योधन समझ गया जब अर्जुन शंख बजाए। कहा देवदत्त शंख है ये अर्जुन ने बजाया। अज्ञातवास टूट गया है कर्ण को ये बतलाया।
फिर से वनवास जाएंगे, होगी दूर परेशानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। दुर्योधन कहे सारथी से, रथ भीष्म की ओर ले जाओ। और कहा कर्ण को, तुम मेरे पीछे आओ। दुर्योधन ने भीष्म द्रोण को जाके ये बतलाया। अज्ञातवास टूट गया, ये अर्जुन लड़ने आया। आप बड़े हो, उनको जाके जूत की शर्त बतानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। भीष्म ने कहा, दुर्योधन यहाँ क्या करने आए थे? मत्स्य देश को जीतने या फिर पांडव ढूंढने आए थे? बहुत हुआ है मेरे पुत्र, अब भी तुम मान जाओ। मेरी मानो तो पांडव पुत्रों को और मत तरसाओ। वो भी तेरे अपने हैं, पर तुझको कहाँ समझ आनी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत, 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 महाभारत। कर्ण बीच में बोला, ये फिर से वनवास जाएंगे। द्रोण ने कहा, तू कौन, ये आपस में बतलाएंगे। मैं तो इनका गुरु, फिर भी बीच नहीं बोल पाया। तुमने कैसे दुर्योधन के सुर में सुर है मिलाया। ये परिवार का मसला है, तुम चुप रखो अपनी वाणी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। कर्ण ने कहा, फिर द्रोण से आप कैसे गुरु हो बताओ। कौरव पांडव शिष्य आपके, फिर क्यों भेद बताओ। पांडवों पे मेहरबानी करो, दुर्योधन को सताओ। अज्ञातवास टूट गया है, फिर उनको वन भिजवाओ। आप जैसे महान गुरु को क्या मुझे पड़ेगी समझानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। कर्ण की बातें सुन के फिर भीष्म को गुस्सा आया। ये गुरु द्रोण है, इसके आगे कोई ना टिक पाया। परशुराम के सिवा इसे कोई ना रोक पाएगा। अपने रथ को पीछे कर ले, वरना अनर्थ हो जाएगा।
सेना को चाहिए काबू में रखनी वाणी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। भीष्म ने कहा कर्ण तुम्हें सब अर्धरथी कहलाए, पर मैं तुझे महारथी बोलू क्या तुझे समझ ना आए। कर्ण ने कहा फिर सारथी को वापिस रथ ले जाओ। फिर गुस्से में दुर्योधन बोला मुझको ये बतलाओ, क्या द्यूत शर्त तुम्हें याद नहीं है पड़ेगी याद दिलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी।